कोर्ट में गए थे, उसमें कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बात बोला है कि सोच समझ कर बोलिए। देखिए माननीय न्यायालय का अपना कार्य है और उस कार्य में किसी का वक्तव्य या की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के प्रति निर्णय उनके अनुकूल हो या विपरीत हो प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय उनके पक्ष में नहीं आएगा तो उसमें बीजेपी को घसीटेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ, और उनके अनुकूल आएगा तो फिर बीजेपी को कहेंगे कि ये लोग गलत फंसा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कहें न कहें उनके संवैधानिक पद पर बैठने का अहर्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, और ये कतई नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का ईमानदारी से जिम्मेवारी से निर्वाहन करता है और उनको निर्वाहन में हम सबको मदद करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकारना चाहिए। और आज इसी की कमी के कारण कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी मनोबल गिरता है। तो ये व्यवस्था, पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरती। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा उठाया गया कि आपकी दवा समुचित दवा नहीं है, हर जगह से आंदोलन हो रहा है, लोग दे रहे हैं कि बाहर से हम दवा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, फॉक्सिंग एक एक वार्ड में जो फॉक्सिंग का करने का व्यवस्था है, संसाधन है, वो नहीं है, छिड़काव करने का वातावरण नहीं बन रहा है, सुबह शाम छिड़काव का माहौल बने, ये तमाम खामी है, कमी है। इस खामी कमी को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। खाना पूर्ति ना करें, कागज पर जो खाना पूर्ति और संचिका में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ आई वास है, ईमानदारी से काम करेंगे वो दिखाई भी पड़ेगा। आज कोरोना काल में लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ा। सर एक सवाल है कि बिहार में विपक्ष की भूमिका कमजोर साबित हो रही है सर, क्योंकि जब डिप्टी सीएम विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, तब सब लोग कहते थे कि विपक्ष अदा नहीं करी है, लेकिन अब रोल तो बीजेपी को निभाना है, लेकिन वो रोल जो एक दिखाना चाहिए विपक्ष का वो नहीं दिख रहा है सर। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, कितने जिला में जाते थे, अपराध का ग्राफ जितना चरम पर पहुंचा है, ये सरकार उस समय की सरकार गंभीरता से लेती थी। आज की सरकार जब अपने पदाधिकारियों को ही मनोबल गिराने में लगी हुई है, आज आपने देखा कि पीरभौर थाना के अंदर डीएसपी के साथ क्या हुआ, हर जगह घटना घटित होता है। बेगूसराय के अंदर अभी हम परसों ही गए थे, वहाँ खुल के गोली चला, तीन तीन हत्याएं, हर दिन एक के बाद एक दिन हत्या हो रही है। कौन सी भूमिका निभा रहा है? प्रतिपक्ष की आवाज़ को ही जब दबाई जाए और प्रतिपक्ष को ही रोकने की व्यवस्था बनाए तो इसका जवाब जनता के जन आंदोलन के साथ प्रतिपक्ष का भी आंदोलन से शुरू होगा। अब प्रतिपक्ष का आवाज़ दबाने से दबता नहीं है, प्रतिपक्ष पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका के लिए तैयार है। दोनों जगह जनता की आवाज दिखाई पड़ेगी और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने जा रहा है, और उस सीट को जीत कर उस जनादेश से साफ संकेत जाएगा, साफ संदेश जाएगा। विधायकों का फ्लैट तो हम ही ने तैयार किया था और 15 अगस्त को ही देने की बात फाइनल हुई थी जब हम अध्यक्ष थे और आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने निकाला था। आज विधानसभा के अंदर विधायकों को रेलवे की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था की सुविधा, आवास की सुविधा, 100% प्रश्नों का जवाब की व्यवस्था, और सदन के अंदर कई ऐसे परिवर्तन हुए
जिसका तो आप ही लोगों ने पूरी चर्चा करते थे दिखाए हैं, और अच्छी बात है कि समय पर नहीं दिए, चलिए डेढ़ महीना के बाद ही विधायकों को जो शेष विधायक बच गए हैं, करीब 40-45 विधायक के लगभग बचे हुए थे, या कुछ हो सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा हो, इन लोगों को मिल जाए तो हम स्वागत करते हैं।